हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट काले चना और प्याज की पकौड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे मैं आज बहुत ही आसान तरीके से बनाकर बताऊंगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए काले चना और प्याज के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम के करीब भिगोया हुआ चना लिया है और 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। सबसे पहले हम काले चना को उबाल लेंगे। चना उबालने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें हम 300 ml के करीब पानी डाल देंगे और इसके बाद इसमें चना डाल देंगे। चना डालने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम करके इसे ढक देंगे। ढकने से चने में जल्दी उबाल आ जाएगा। चने में उबाल आ गया है, अब इसे इसी तरह से 2 मिनट और उबलने देंगे। इससे चना हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से सिक भी जाएगा। 2 मिनट हो गया है, अब एक चना को दबा कर देखेंगे। चना बहुत ही आसानी से मैश हो रहा है, चना अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। मैं छान कर इसे एक बाउल में डाल रही हूँ। मैंने चना को छान लिया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ। प्याज डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच के करीब बेसन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ पुदीने के पत्ते, इसी जगह पर आप धनिया के पत्ते भी ले सकते हैं। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब ये पकौड़े बनने के लिए तैयार है। पकौड़े को तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल लिया है। इसे डीप फ्राई करने के लिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे इस तरह से और इसी तरह से जाकर कढ़ाई में डाल देंगे। सारे पकौड़े को हम इसी तरह से बनाएंगे। यदि आपका चना तेल में बिखर रहा हो तो मिक्सर में थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लें और इसे मिक्स कर लें। तेल में हम उतने ही पकौड़े डालेंगे जितने की आसानी से फ्राई हो सके। ज्यादा डालने से ये आपस में चिपक जाएंगे। तेल में पकौड़े डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। पकौड़े एक तरफ से सिक गए हैं, इसे पलट देंगे और इसी तरह से उलट पलट कर इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। पकौड़े हमारे सिक चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेंगे। पकौड़े बनकर तैयार है, इस पर हम चाट मसाला छिड़क लेंगे। इसे चटपटा बनाने के लिए नींबू भी निचोड़ लेंगे इसमें। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बने हैं, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद पुदीने और हरी मिर्च एंड नींबू से इसे डेकोरेट कर देंगे। पकौड़े आप खाने के लिए तैयार है, आप इसे बनाइए, खाइए। और यदि ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।